हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूस का अड्डा। तो हम लोग राज्यसभा का वीडियो देख चुके हैं, उसके बाद अब हम लोग आज इस वीडियो में लोकसभा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पॉलिटी का डेली 9 AM पे वीडियो आता है, तो अगर आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लूसेंट पॉलिटी की वीडियो आती है हर दिन 9 AM पे, तो आप लोग देखा कीजिएगा, एक्टिव रहा कीजिएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, सांसद चैप्टर के क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें मैंने बताया था कि सांसद जो है वो सांसद के तीन अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के सांसद बना है। तो राज्यसभा का वीडियो कल आया था और आज हम लोग लोकसभा देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगी वो राष्ट्रपति के ऊपर होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोकसभा, इसके क्वेश्चंस को देखना। लोकसभा का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं वो किस सदन के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा। लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसे प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं लोकसभा को। और लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा जो है भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा के गठन के संबंध में जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331, इन दोनों में ही किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 81, वैसे ऑप्शंस में अगर अनुच्छेद 81 है तो 81 दीजिएगा, अगर 331 है तो ये भी आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही अवेलेबल है तो दोनों ही हम लोग देंगे कि लोकसभा के गठन के संबंध में जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331, इन दोनों में ही किया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है ये निर्धारित की गई थी 500। ठीक है, मूल संविधान में कितनी निर्धारित की गई थी, 500 निर्धारित की गई थी। उसके बाद 31वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा सीट को बढ़ा दिया गया और फिर 545 कर दिया गया, और वर्तमान में गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा वर्तमान में जो सीटें हैं वो 552 है। ठीक है, तो वर्तमान में 552 है लेकिन मूल संविधान में कितना था, 500 था। चलिए नेक्स्ट है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो मैंने बताया कि 31वां जो संविधान संशोधन था उसमें 500 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 545 कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552, 552 सीटें जो है लोकसभा के लिए निर्धारित की गई हैं, जिसमें 530 जो है ये राज्यों से आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 जो है 2 ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं, एंग्लो इंडियन, तो ये मनोनीत किए जाते हैं। तो ये सीटें हैं, 552 जो है सदस्य संख्या है लोकसभा की। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है, 530 को। 530 जो है वो राज्य से आते हैं, तो राज्य की जनता कितनों को निर्वाचित करेगी, 530 को, 20 केंद्र शासित प्रदेश है और 2 एंग्लो इंडियन, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधित्व को निर्वाचित करके भेजती है, 20 को करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा की जो संख्या है सदस्यों की वो 545 है, सीटें तो 552 दी गई हैं लेकिन सदस्य अभी 545 ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? तो 2 सदस्य जो लोकसभा में मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत होते हैं, अनुच्छेद 331 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से
दो सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय से दो सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? तो राज्यों को जो सीटें आवंटित की गई है लोकसभा में या राज्यसभा, किसी भी सदन में जो सीटें दी जाती हैं वो जनसंख्या के आधार पर दी जाती हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो मैंने बताया अभी कि अभी जो क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो सीटें आवंटित की जाती हैं वो किस आधार पर की जाती है, जनसंख्या के आधार पर। तो ये जो जनसंख्या है तो ये किस जनसंख्या के आधार पर, मतलब वर्तमान की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं कौन सा? तो अभी जो चल रहा है, अभी जो सीटें आवंटित की गई हैं वो 1971 का जो जनगणना हुआ था, इस जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है राज्यों का उसके आधार पर सीटें जो है सीटों का स्थान आधार ये आवंटन किया गया, ठीक है। 1971 की जनगणना 1971 का जो जनगणना है इसके आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण जो है ये पहली बार किया गया था 1972 में ये किया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये जो 1971 की जनगणना पर सीटें आवंटित की गई हैं ये कब तक चलता रहेगा? तो ये चलेगा 2026 तक, ये 2026 तक चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो लोकसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो लोकसभा के जो एक निर्वाचन क्षेत्र है, एक निर्वाचन क्षेत्र से कम 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, एक निर्वाचन क्षेत्र 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। एक चीज और कि देश का जो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश का मलकागिरी निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पे कुल 29,53,915 मतदाता है, ठीक है। तो वो क्या है, देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का मलकागिरी, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है सीट निर्धारित की गई है वो है 131 सीट, कुल 131 सीट जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटित की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति को दी गई है 84 सीट और अनुसूचित जनजाति को दी गई है 47 सीट, टोटल 131। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो संपन्न हुआ था 1952 में। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश का मलकागिरी क्षेत्र है और सबसे छोटा जो है वो है लक्षद्वीप जो है ये सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पे टोटल 47,972 मतदाता ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वो लद्दाख है, जनसंख्या की दृष्टि से आंध्र प्रदेश का मलकागिरी जहाँ पे कुल 29,53,915 मतदाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है, सबसे छोटा लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो कौन सा संविधान संशोधन है जो राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो बढ़ाने से संबंधित है 7वां संविधान संशोधन और 31वां जो है ये लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है इनको विभक्त किया गया था,
14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में, और 31वां तो आपको पता ही है कि जो सीटें थी उनको बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। तो ये दोनों संख्या बढ़ाने से संबंधित है। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कहाँ से चुने जाते हैं, मतलब कैसे चुने जाते हैं, सॉरी, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा या अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा या नामांकन के द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा में केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है। लोकसभा में जो स्थान आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए तो आरक्षित है ही, 84 सीटें अनुसूचित जाति को दी गई हैं, अनुसूचित जनजाति को दी गई हैं 47 सीटें, आंग्ल भारतीय वर्ग को 2 सीटें दी गई हैं। तो इन तीनों को ही जो है स्थान, इन तीनों का ही स्थान आरक्षित किया गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। सबसे अधिक प्रतिनिधि कौन भेजता है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश। कितने को भेजता है, 80 सीटें हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है। आंध्र प्रदेश लोकसभा में 25 सीटें, असम को 13 सीटें, पंजाब को 13 सीटें और पश्चिम बंगाल को 42 सीटें। तो इसमें जो सुमिलित नहीं है वो है असम। असम को 13 नहीं, 14 सीटें दी गई हैं, ठीक है, तो ये गलत है। पश्चिम बंगाल को 42 दी गई है, पंजाब को 13 दी गई है और आंध्र प्रदेश को 25 दी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के पास ही है। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो झारखंड राज्य को लोकसभा के लिए कितनी सीटें दी गई हैं, झारखंड को दी गई हैं 14 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। तो लोकसभा में समान सीटें आंध्र प्रदेश और राजस्थान को प्राप्त हैं, 25-25 सीटें दी गई हैं आंध्र प्रदेश और राजस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश है 80 सीटों के साथ, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है ये महाराष्ट्र 48 सीटें और थर्ड नंबर पे पश्चिम बंगाल 42 सीट, ठीक है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश 80 सीटों के साथ, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे 42 सीटों के साथ। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। तो दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है 48 सीटों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा की कितनी है, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ के पास है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चार राज्यों में किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं। हरियाणा में, हरियाणा के पास 10 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे या तीसरे स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर और दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। दिल्ली के 7 सीटें हैं दिल्ली के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित करके लोकसभा में भेजता है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम। तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि किसका है, उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5 साल का होता है लोकसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान सांसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। तो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
लेकिन अगर जैसे अभी लोक आपातकाल आ गया, ठीक है, तो संसद क्या करेगी कि कार्यकाल को बढ़ा देगी 1 साल के लिए अधिकतम। यहाँ पे पूछ रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो चलो 1 साल के लिए बढ़ा दिया। लेकिन अगर जैसे ही आपातकाल की स्थिति खत्म होगी, अगर 1 साल से पहले ही खत्म होती है, तो वो तुरंत से फिर कार्यकाल भी समाप्त करना पड़ेगा। वो फिर एक ऐसा नहीं कि प्रावधान आ गया 1 साल का, तो अगर आपातकाल खत्म हो गया है तब भी 1 साल का वेट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी ये भी है, तो ये वाला भी पॉइंट याद रखिएगा कि है तो 1 साल के लिए आपातकाल की स्थिति में सांसद बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होता है तो उसके बाद वो प्रावधान रद्द हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर 1 साल का वेट करेंगे उसके लिए। चलिए नेक्स्ट है, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है, तो 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अगर आपातकाल की उद्घोषणा मतलब आपातकाल के टाइम तो घोषणा कर दिया गया 1 साल के लिए, लेकिन जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, यानी कि देखिए उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद अगर आपातकाल खत्म हो चुका है तो उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता उसको। ठीक है, तो यही मैंने वहाँ पे पॉइंट क्लियर करना चाहा था। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है, तो कोरम का हमने पढ़ा है 1/10 से। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट इसलिए चल रही हूँ क्योंकि सांसद और राज्यसभा वाले चैप्टर में हमने पूरी डिटेल्स में देखा है ना इन सबको, तो इसलिए मैं थोड़ा जैसे कि ये पढ़ा हुआ है। कोरम का को पूरा करने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग। कोरम क्या है कि अगर संसद ये सॉरी लोकसभा या कोई भी राज्यसभा भी, संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन में सदस्य अगर जितने सदस्य हैं उसके 1/10 सदस्य उपस्थित हैं तो सभा चलाई जा सकती है, तो उसी को कोरम बोलते हैं, गणपूर्ति। तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, तो किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, यानी कि आपातकाल की स्थिति के दौरान बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है, तो अगर लोकसभा का कोई सदस्य 2 महीना यानी कि 60 दिन अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया देता है, तो संसद जो है ये प्रति माह वेतन के रूप में कितना पैसा देते हैं, सॉरी 1 लाख, 1 लाख रुपए दी जाती है प्रति माह वेतन। नेक्स्ट है, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है, तो देखिए दैनिक भत्ता जो है डेली का भत्ता बैठक में भाग लेने के लिए जो मिलता है ये 2,000 रुपया मिलता है। ठीक है, और वेतन जो प्रतिमा मिलता है ये 1 लाख का मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना कार्यकाल भत्ता मिलता है, तो हर दिन का भत्ता मिलता है 2,000 रुपये, और प्रतिमा जो कार्यकाल भत्ता मिलेगा ये भत्ता होगा 45,000। 45,000 कार्यकाल भत्ता है और वेतन कितना है 1 लाख रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो लोकसभा के सदस्य जो है अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है, तो पेंशन की जो व्यवस्था है ये करी गई है 1976 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय के से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः 2 सत्र जो है वो आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर, तो राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा भंग नहीं होता कभी भी। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, तो
भंग कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। किस चीज़ की योग्यता नहीं दी गई? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो सदस्य है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो एज दिया है कि उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि उम्र 25 वर्ष होना चाहिए कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? तो 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, क्योंकि संपूर्ण कार्यवाही का सफल संचालन इन्हीं के द्वारा संपन्न होता है, इसलिए लोकसभा का अभिरक्षक लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो ये प्रोटेम स्पीकर क्या है पहले देखें। तो देखिए, जब लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, स्पीकर जिन्हें बोलते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इनके लिए वोटिंग नहीं हुई होती है, जब लोकसभा के सदस्य नए चुने जाते हैं, तो उस दौरान जब तक जितने टाइम तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग नहीं होती है, उस दौरान प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है, और ये नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रोटेम स्पीकर को। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की बैठक विघटन द्वारा समाप्त हो सकती है, 17वसान के द्वारा समाप्त हो सकती है, स्थगन के द्वारा समाप्त हो सकती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा को विघटित कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं प्रधानमंत्री की संस्तुति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है, लोकसभा की अवधि कब बढ़ाई जाएगी? संसद के द्वारा पारित अधिनियम से, उच्च न्यायालय के आदेश से, या प्रधानमंत्री के आदेश से, या राष्ट्रपति के आदेश से? तो लोकसभा की जो अवधि है ये संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, अधिनियम पारित होगा पहले इसके लिए। नेक्स्ट, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? राज्यसभा और लोकसभा इनकी समान शक्तियां हैं किस क्षेत्र में? संविधान संशोधन संविधान में संशोधन अगर होता है तो उस विषय में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के पास समान शक्तियां हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा के नेता होते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और फिर उसमें से एक नेता को चुना जाता है तो प्रधानमंत्री के पद पे आते हैं, तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, तो जितने मत हैं उसमें से कुल वैध मतों का कम से कम 1/6 मत यानी कि वोट उसको प्राप्त हो नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, लोकसभा या विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी जमानत राशि खो देंगे, उनको कम से कम जितने वोट है उसका 1/6 वोट लाना अनिवार्य है, नहीं तो वो अपनी जमानत राशि को खो देंगे। नेक्स्ट है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो वित्तीय बिल जो है धन विधेयक, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों में किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जाते हैं? वित्त विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो तारांकित प्रश्न क्या होता है? तारांकित प्रश्न वो प्रश्न होता है जिसका सदस्य जो है सभा में मौखिक उत्तर जानना चाहते हैं, उसको बोलते हैं तारांकित प्रश्न। तो किसी विशेष दिन जो है लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 है। नामित सदस्य यानी कि जो मनोनीत करे जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में,
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग के संबंध में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के ही, दोनों सदन मिलकर के ही राष्ट्रपति के निर्वाचन करते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, या फिर राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाअभियोग करना है तो उस संबंध में भी दोनों मिलकर ही करते हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो लोकसभा में जो सीटें दी गई हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को, इसके बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 330 में, जिसके अंतर्गत 131 सीटें दी गई हैं अनुसूचित जाति और जनजाति को, जिसमें अनुसूचित जाति को 84 और जनजाति को 47 सीटें दी गई हैं, तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। तो वो कौन सा राज्य है जो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है, तो ऑप्शंस के हिसाब से वो मध्य प्रदेश है, लेकिन अगर ऐसे पूछे कि सबसे ज़्यादा लोकसभा में कौन सा राज्य अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधि निर्वाचित करता है, तो वो है झारखंड। ठीक है, झारखंड जो है वो छः अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिनिधि है वो निर्वाचित करता है, सबसे ज़्यादा झारखंड करता है, मध्य प्रदेश जो है वो 5 करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस के हिसाब से मध्य प्रदेश होगा, लेकिन ऐसे याद रखिएगा झारखंड, अगर ऑप्शन में झारखंड है तो झारखंड दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित राज्यों में किस में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित स्थान नहीं है, केरल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ये जो 6 राज्य हैं इन सब में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है। किस राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, नागालैंड, सिक्किम और गोवा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएँ 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है। तो वो है नागौर, राजस्थान का जो नागौर है उसकी सीमाएँ 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। तो 6वीं जो लोकसभा थी उसमें निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी, और सबसे ज़्यादा किस में थी, तो देखिए सबसे अधिक जो रही वो 17वीं जो लोकसभा हुई है उसमें सबसे अधिक थी, 78 महिला सांसद थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद, किसी भी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसके लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, कम से कम 50 लोग मिलकर के अविश्वास मतलब लाएंगे तभी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, 50 लोग होने चाहिए कम से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हरित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य, लोकसभा का कोई भी सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हरित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ है या हुई है उससे निष्कासित कर दिया गया या कर दी गई हो। जब तक कि वो जो सदस्य है जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ है उससे निष्कासित नहीं किया जाएगा, तब तक वो सदस्य का सदन का सदस्य बने रहने से निर्हरित नहीं होगा और नहीं हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो सकता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो प्रथम लोकसभा जिसका गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, तो इसका जो पहला बैठक हुआ था 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत काम करती है। तो मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रसाद पर्यंत काम करती है।
नेक्स्ट है, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? लोकसभा जो है ये किस प्रकार से मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार करके। तो लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार करके, और मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार करके। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा से के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो जो आरक्षण क्षेत्र है, आरक्षण जो दिया गया है वो किनको नहीं दिया गया? अनुसूचित जाति को तो दिया गया, जनजाति को भी दिया गया, पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो संविधान संशोधन का जो विधेयक है ये दोनों सदन में आएगा, दोनों ऊपरी और निचली सदन, ऊपरी सदन जो है वो राज्यसभा को कहते हैं और निचला सदन लोकसभा को कहते हैं। तो दोनों ही सदनों में लाया जाएगा संविधान संशोधन विधेयक, अलग अलग मतलब दोनों ही में पेश किया जाएगा, ठीक है, किसी में भी पहले पेश किया जा सकता है, या पहले राज्यसभा में या लोकसभा में, या लोकसभा में राज्यसभा में, एक यहाँ पे देखिए एक साथ दिया हो तो एक साथ नहीं है, अलग अलग भी अलग अलग है, यानी कि पहले अगर लोकसभा में होता है तो बाद में राज्यसभा में भी किया जाएगा, अगर राज्यसभा में होता है पहले तो बाद में लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं जो लोकसभा का निर्वाचित क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल को कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 42 सीटें, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है? संसद के दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक होती है, राज्यसभा और लोकसभा की जब संयुक्त बैठक होगी तो उसमें जो विधेयक पारित किया जाएगा उसमें क्या होना चाहिए? जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनके साधारण बहुमत से वो विधेयक पारित हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि 2/3, 3/3, ऐसा नहीं, जितने भी सदस्य उसमें मौजूद है उसमें साधारण बहुमत के द्वारा वो विधेयक पारित हो जाएगा। संयुक्त बैठक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्य काल किसे कहते हैं? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है उसे शून्य काल कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में शून्य काल जीरो आवर कब शुरू हुआ? तो शून्य काल जो आरंभ हुआ था ये 1962 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो विपक्षी दल का दावा कोई भी दल तभी कर सकता है जब उसके पास लोकसभा में कम से कम 55 जो है सांसद होने चाहिए, कम से कम लोकसभा में 55 सदस्य होंगे तभी वो विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति के लिए 84 है और जनजाति के लिए 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो लोकसभा में सिर्फ एक सीट दी गई है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम को। वैसे अच्छा हुआ अगर आप लोग लोकसभा सीट सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो हमने बार बार देखा कि धन विधेयक जो है, धन संबंधी विधेयक या वित्त विधेयक जो है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित लोकसभाओं में किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? तो 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक काम जो किया है वो 5वां जो लोकसभा था ये 5 वर्ष से अधिक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहते हैं पॉपुलर चैम्बर। सो गाइज, लोकसभा के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो संसद का जो अंग है, राज्यसभा लोकसभा दो सदन है, उनको देख लिया है। और राष्ट्र, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएगी राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, डेली अपडेट रहिएगा, जैसे मैं डेली वीडियो लाती हूँ
कोशिश करती हूँ, चाहे मैं कितनी बिजी रहूँ कुछ भी रहूँ, लेकिन मैंने टाइम दिया है तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली उस टाइम पे वीडियो डाल दूँ। तो उसी तरीके से आप लोग भी डेली वीडियो देखा कीजिए और रिवीजन कीजिए, खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।